हाँ जी, अज मैं एक हीरे का जिक्र तुहाडे सामने करना चाहुंना, जिस हीरे का नाम कोहिनूर हीरा है। इस हीरे का जिक्र जिथे कई बादशाहां दे नाल, राजिया महाराजिया दे नाल जुड़दा है, उत्थे साडे सिख बादशाह महाराजा रणजीत सिंह जी दे नाल वी इहदा संबंध बनता है। तो आरंभ करते हैं गोलकुंडा दे रहिण वाले सिंधबाद जहादी ने सब तो पहला कहिंदे ने हीरा वेख्या सी। जिवें जिवें इतिहास दे पन्नियां तो मिलदा, मैं आरंभ दे अंदर एक बेनती करदा, जो जानकारी मैनू मिली वो मैं तुहाडे समक्ष रख रहा, और मैं इहदे उत्ते दावा नहीं कर रहा भी ये 100% सच होएगा, बट जो मैं पढ़िया है जां जो मैनू मिलिया है वो मैं तुहाडे सामने कलैक्शन करके इकट्ठा करके रखण दा यतन करदा। कहिंदे ने कि गोलकुंडा की खुदाई तो बाद सिंधबाद जहादी ने सब तो पहला इनू वेख्या, फिर मार्को पैली ने इनू वेख्या 13वीं सदी के अंदर। फिर कहिंदे ने कि रैल फ्रिच ने 16वीं सदी के अंदर अपनियां यात्रावां दा वर्णन करते वक्त उन्हें एक बुक लिखी, उहदे विच अपनी निज जीवनी लिखी 16वीं सदी के अंदर। कहिंदे ने उन्हें हीरियां का जिक्र करते हुए इस हीरे का जिक्र किया, भारत में लभे हुए कुछ हीरियां का इतिहास उन्हें बनाया, कुछ हीरियां के संबंध में लिखिया। ये सब तो हीरा, मुख हीरा, श्रोमणी हीरा, जिमें मेरू हीरा कह दी, वो कोहिनूर सी। और कोहिनूर का आखरी अर्थ हुंदा है रोशनी का पहाड़, मतलब रोशनी और रोशनी पहाड़ वर्गी रोशनी। यदा अगे चल के जिक्र करांगे भी यदा ना ये रोशनी का पहाड़ कोहिनूर पिया किवें। इस बारे कहा जाता है कि सब तो पहला ये गोदावरी नदी के किनारे तो लब्भा सी, किसी का कहना है महाभारत के समय किसी राजे पास सी, पर यह गल मैनू सही जी नहीं लगती। कोई कहिंदा है ये राजे विक्रमादित्य पास सी, और 57 पूर्वी ईस्वी विच मालवा तो उज्जैन तक जिदा राज सी राजे विक्रमा जी दा। खैर, पर इसका इतिहास 14वीं सदी के शुरू में मिलता है, जिहड़ियां पिछलियां गल्लां है महाभारत विच मिलता है, विक्रमादित्य दे वेले ते मिलता है, ये थोड़ियां मिथ्यासिक लगदियां ने पर मैं जिक्र कर दिता है। जो इहदा रिटन विच मिलता है वो 14वीं सदी के शुरू में मिलता है। अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा खेत्र ते हमला किया, खजाना कब्जे विच लै लिया। उस वेले हीरा खजाने दे विच सी। मुगल राज आउण ते ये हीरा चलदा चलदा बाबर बादशाह दे पास आया। इस तरह ये अगे राज गद्दी चलती रही ते राज गद्दी दे नाल नाल हीरा भी चलता रहा। कहिंदे ने जद हीरा लभ्या ते इहदा वजन 787 कैरट तो 793 कैरट तक सी। एक कैरट का वजन तकरीबन 200 मिलीग्राम के करीब करीब होंदा है। खैर, जो लिखता विचों मिलिया, कहिंदे ने जहांगीर दे समय वीनस दे निवासी हैरट टेंसियो बोरसियो ने इस नूं कट के इस दा वजन 280 कैरट कर दिता। इस दा वजन कट के 280 कर दिता। ये पिछे भी एक कहानी जुड़ती है, पर वो कहानी मैं तां नहीं सुना रहा भी वो बिल्कुल ही निर्मूल जी लगती है। शाहजहां दे वेले फ्रांस दे व्यापारी तैवनियर ने इस दा भार तो लिया, जो 319 रती यानी कि 280 कैरट दे बराबर रहा। इसनों अद विचों कटिया गया एक आंडे दे आकार दा सी। अज भी इंग्लैंड की राणी अपने जन्मदिन ते खास दिना ते ये अपने ताज में सजाती, जिस विच कोई नूर हीरा हुंदा, जिहड़ा उहदा ताज हुंदा ना राणी दा, उहदे विच कोई नूर हीरा हुंदा। बाकी समा वो म्यूजियम दे अंदर पिया हुंदा है, उहदे ते खास पहरा हुंदा है, आर्मी दा पहरा हुंदा है, कोई पिक्चर नहीं लै सकदा और कोई उहनूं टच भी नहीं कर सकदा। वैसे वो शीशियां दे अंदर बंद है, मैं अपनी अखां दे नाल भी वेख्या है, उत्थे टिकट लगदी है। बड़ा पुराना म्यूजियम है, टन्ना दे हिसाब दे उत्ते उत्थे सोना पिया है, नहाउण वाले टब, राणी राणियां दे, राजिया महाराजिया दे, वो टब दे विचों एक नाली जांदी है, परले पासे सोने दा गिलास, उहदे विचों मदरा पाउंदे सन। इस तरह दे ऐशो इशरत दे समान अज भी उस खजाने च वेखण वास्ते मिलते हैं। खैर, अपने विषय दे नाल जुड़िए, एक होर खोज दे मुताबक, ये मैं पहला पक्ष रख दिता,
एक होर खोज के मुताबिक 1655 हीरा खाण विचों लभ्या। खाण का ना नहीं है, खाण का जिक्र नहीं है कि खाण विचों लभा। वो खाण के मालक ने यह शाहजहां नूं दिता। एक पासा तो मैं तुहाडे सामने पहला रख दिता, हुण दूजा पासा कहिंदे ने 1655 एक खाण विचों खुदाई करदे वक्त लभा। खाण के मालक नूं उहदी पछाण नहीं सी, उन्हें आण के बादशाह शाहजहां नूं दे दिता भी चमकदा बड़ा है, असी गरीबां ने की करना है, तुहाडे कोल रहेगा। 1739 नादर शाह मुगल राज दे समें अपने नाल इहनूं लै गया। पहला इहदा नाम कोई नूर नहीं सी, मुहम्मद शाह पास ए हीरा सी। नादर शाह ने उस दे सत्कार विच भोजन किया, रात्रि भोजन किया, ते उसनू पग वटाउण लई व्याख्या। दोवां दा आपसी प्यार चंगा सी। उस वेले मुहम्मद शाह दी पग विच नादर शाह ने यह हीरा वेख्या, इहदी रोशनी बड़ी सी, और कहन लगा ओ अल्लाह कोही नूर। को दा मतलब पहाड़ ते नूर दा मतलब प्रकाश, इह ते पहाड़ वर्गा प्रकाश है। कहिंदे ने उत्थों इहदा नां सहजे सहजे प्रचलित हुंदा हुंदा यही पै गया कोही नूर। कुछ समय बाद फ्रांस तो अफगानिस्तान अते फिर महाराजा रणजीत सिंह दे हथ आया। 1849 सिख राज खत्म होया, 1850 महाराजा दलीप सिंह पासों महाराणी विक्टोरिया ने लै लिया। एक इत्थे मैं रोक के होर गल तुहाडे सामने रखी जावां, जिथे अज इंग्लैंड लंडन ब्रिज दे नाल एक म्यूजियम दे अंदर ये पिया है ना, उहदे थल्ले पता की लिखिया मिलता है? ये नहीं लिखिया मिलता भी असी इंडिया कोलों जां महाराजा दलीप सिंह कोलों खोह के लिआंदा है, ये नहीं मिलता। उहदे थल्ले लिखिया है कि फलाने फलाने समें ये हीरा महाराजा दलीप सिंह ने राणी एलिजाबेथ नूं गिफ्ट किया। बड़े सियाने ने गोरे, जदों गिफ्ट लफज़ आ जांदा ना भी गिफ्ट किया, तो उदों नफरत नहीं बनती। तो जे लिखिया हुंदा भी असी खोह के लिआंदा है, तो अज इंडियन लोग सिख लोग दूजे लोग वेखण वालिआं दे मन विच नफरत बननी सी भी एडा कीमती हीरा है तो इन्हां ने खोह के लिआंदा है। पर उन्होंने लिखिया है भी महाराजा दलीप सिंह ने अपनी मर्जी नाल राणी एलिजाबेथ नूं यह हीरा गिफ्ट किया। खैर 1850 महाराजा दलीप सिंह पासों महाराणी ने यह हीरा लै लिया, महाराणी विक्टोरिया ने लै लिया। इहदा भार सी 186 कैरट, 186 कैरट सिर्फ। रणजीत सिंह दे बाजू बंद विच इस तरह के दो हीरे होर भी होंदे सन, एक कोहिनूर हुंदा सी ते एक होर हुंदा सी। कहिंदे ने कि महाराजा रणजीत सिंह कोहिनूर हीरा अपने सज्जे डौले दे नाल बन के रखते सन। तो एक दिन किसी ने सवाल किया सी महाराजा रणजीत सिंह ते कि यह हीरा इन्ना चानन वाला हीरा कीमती हीरा दस्तार विच क्यों नहीं सजाते? तो कहिंदे ने महाराजा रणजीत सिंह ने बड़े शिद्दत दे नाल प्यार दे नाल एक जवाब दिता सी भी यह जिहड़ी दस्तार है ना ये बख्शी है गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दी। हीरे दी इन्नी एकात नहीं कि गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दी बख्शी हुई दस्तार दे उत्ते चढ़ के बह सके, उहदे उत्ते सज सके, सब तो उत्ते दस्तार ही रहेगी। चलो मेरा अज दा विशा तो नहीं पर मैं उन्हां नूं एक गल पुछनी चाहुंदा, जिहड़ी गुरु गोबिंद सिंह जी वल्लों बख्शी दस्तार नूं देहधारियां दे पैरां विच रोलदे ने जां गुग्गियां माड़ियां ते रोलदे ने जां बड़ियां कबरां ते रोलदे ने, उन्हां नूं की आखीए? एक पासे बादशाह हीरा भी दस्तार ते नहीं लिआउंदा ते दूजे पासे हीरे नालों अमोलक पग तुसीं इहदी तोहीन करदे हो देहधारियां दे पैरां विच रख रख के। उह भी बेवकूफ ने जिहड़े इस दस्तार वाले नूं मत्था टेकन देंदे ने, ते वह भी बेवकूफ ने जिहड़े दस्तार सजा के ते थां थां ते रुलदे नज़र आउंदे ने। एक गल मैं होर दस दियां, कहिंदे ने कि एक वारी ना शेरे पंजाब रणजीत सिंह नूं किसे ने पुछया भी बादशाह इस हीरे दा मुल की होना चाहिए, तो महाराजा रणजीत सिंह ने नचिजक उत्तर दिता, दो लफजी उत्तर दिता, कहन लगे इहदा मुल है जुत्ती। सुनन वाला हैरान होया, जी जुत्ती? कहन लगे हाँ, जिहदी जुत्ती विच जोर हुंदा है वह हीरे नूं अपने कोल लै जांदा है, वरना दुनिया दे विच इस हीरे दा मुल नहीं है। खैर हीरा जिमें जिमें ये अगे अगे चलता रहा,
ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਣੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਕੋਲ ਆਇਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਥੋਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਪਿਆ ਮਿਲਦਾ। ਖਾਸ ਖਾਸ ਦਿਨਾਂ 'ਤੇ ਰਾਣੀ ਤਾਜ ਵਿੱਚ ਸਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦਿਨ 'ਤੇ ਜਾਂ ਖਾਸ ਦਿਨਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ।